हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय हिंद। मेरा नाम है राजीव द्विवेदी। स्वागत है आपका MP13RV चैनल के एपिसोड 8 में। इससे पहले कि एपिसोड आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए क्योंकि उससे आपको स्टोरी को समझने में आसानी होगी। आज का वीडियो हिमाचल प्रदेश की मणिकरण यात्रा का। गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकरण, और मणिकरण का ये जो है इस साइड गुरुद्वारा है जो प्रसिद्ध है अपने गर्म पानी के स्रोतों के लिए तथा हिंदुओं एवं सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक होने के कारण। ये है पार्किंग और ये है गुरुद्वारे का रास्ता, तो चलिए चलते हैं। गुरुद्वारा यानी कि निःस्वार्थ सेवा भाव, तो हमारी एंट्री भी इसी सेवा भाव से शुरू होती है। So, यहाँ पर जो थे आप अपना श्रम दान दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जो है अमाउंट पे करना चाहते हैं या फिर नहीं आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, समय और रहा और काम कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये चावल जो है एकदम गर्म पानी से बनते हैं, जो कि यहाँ का फेमस स्प्रिंग वाटर आता है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और हाँ, जो गोल्डन टेम्पल पिछले मंथ गया था वहाँ से थोड़ा सा फूड जो और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर गुरुद्वारे के आसपास बने विशाल भवन जो कि दूर से आने वाली यात्रियों के विश्राम के लिए बने हुए हैं तथा यह पूरी तरह से निःशुल्क। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं गुरुद्वारे का है यहाँ पर, और अब मैं यहाँ नहाने जाना हूँ। पानी नेचुरली यहाँ पर गर्म रहता है और ये व्यवस्था एकदम स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है, तो आप भी जरूर मणिकरण अगर आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आए। ऐसे मनाली में भी वशिष्ठ में और क्लॉथ में है लेकिन ये सबसे मेन माना जाता है। तो चलिए चलते हैं। गाइस ये तो बहुत गर्म है, नहा नहीं पा रहा हूँ इसमें। तो कहा जाता है कि यहाँ के गंधक युक्त पानी में कुछ दिन स्नान करने से चर्म रोग और गठिया रोग से निजात मिल जाता है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं है आपको। बढ़िया, तो हम लोग कितना अमाउंट पे करने के बाद हम लोग स्विमिंग पूल जा पाते हैं अपने सिटी में। बट यहाँ पे हॉट स्प्रिंग एकदम गर्म स्विमिंग पूल आपको फ्री में मिलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। और मणिकरण आइए आप, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आपका। गुरुद्वारे में ही रुक सकते हैं, मैं भी 5th-6th floor पे ही रुका हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा है सारा कुछ। यहाँ पर सेवा दे सकते हैं, अपनी रह सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा या फिर कोई भी आपको अप्रोच करने वाला नहीं मिलेगा जो कि आपको ये कहे यहाँ पर पैसे लगेंगे। पैसे का कोई हिसाब नहीं यहाँ पे, बिंदास आप टेंशन फ्री रहिए। क्या अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ये जगह जो है सामने मेरे शिव मंदिर है, और आपने सुना होगा कि यहाँ पे स्प्रिंग वाटर स्विमिंग पूल टाइप का है। आपने सुना होगा कि नेचुरली जो है एकदम गर्म पानी निकलता है यहाँ ज़मीन से, सो वो यहाँ पर है शिव मंदिर जो है उसी के आसपास पूरा जो इलाका है वो गर्म पानी निकलता है। सो अभी मैं गुरुद्वारे में हूँ और
सुबह से मतलब 8 बजे उठ गया था, 8 बजे से मैं है ना प्रसादी वगैरह जो देते हैं खाना वगैरह परोसते हैं वो कर रहा था। अभी 2 बजे फ्री हुआ हूँ, सो मैंने सोचा अब एक्सप्लोर किया जाए थोड़ा सा। और आज भी मैं मणिकरण में ही रुकूँगा, कल यहाँ से निकलूँगा। एक कुछ इस तरह का है, चारों तरफ फॉग ही फॉग हो रहा है, तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा विजिबल नहीं है। वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गर्म पानी उबल रहा है जो, और उसके पास में वहाँ पे गुरुद्वारे के लिए जितना भी खाना और चावल वगैरह बनता है वो उसमें रखा जाता है, उस वाले टैंक में, ताकि चावल अपने आप पक जाते हैं। सो ये अच्छी चीज़ है। ये शिव मंदिर है जहाँ अभी मैं जाने वाला हूँ। सो गाइज, मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से है मणिकरण में। मणिकरण में आज मेरा दूसरा दिन है, कल हम तोस भी गए थे, आपने जो कल का वीडियो देखा। और फिर उसके बाद शाम को वहाँ तोस से आने के बाद मैं मणिकरण में ही रुक गया था। मणिकरण में ये गुरुद्वारा है जहाँ मैं रुका हूँ, और अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट साइड जाने का, देखता हूँ क्या मिलता है और आपको भी दिखाता हूँ। अदरवाइज जी हाँ, तो बारिश हो रही है, खूब ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से कुछ भी काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो या चलते हैं, रेनकोट पहले ही मैंने पहन लिया है क्योंकि बारिश हो रही है। सो यहाँ से ये नदी बहती है और ये पुल बना हुआ है गुरुद्वारे में जाने के लिए, देख सकते हैं। और वो मंदिर है, उसी के नीचे हॉट स्प्रिंग का जो स्रोत है जहाँ से पानी पूरा निकलता है, गर्म पानी एकदम। सो वो मंदिर के नीचे है, भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ ये ब्रिज है, काफ़ी खूबसूरत ब्रिज है। और इस साइड भी एक हॉट स्प्रिंग है, अगर आप देख पा रहे हो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने नहाते हुए दिखाया था, तो वो यहाँ पर है। तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, यहाँ पर आके रुक सकते हैं आप आसानी से। और उस साइड जो है पूरा मणिकरण जो मार्केट है वो है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। ये रास्ता जो है ये कुल्लू कसोल होते हुए आता है, ये सीधा रास्ता वहाँ पर मणिकरण बस स्टैंड है। और उससे ही अगर ऊपर चढ़ के सीधे चले जाएंगे तो तोस का रास्ता आता है। ये है मणिकरण का बस स्टैंड, ऊपर आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, वो तोस का रास्ता है। ये हॉट स्प्रिंग है, मतलब एक गर्म गुफा है, और गर्म गुफा में ऐसा है कि यहाँ पे पूरा नेचुरली जो गर्म रहती है, ये जो आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे फॉग, तो ये भाप आ रही है, भाप के कारण यहाँ पे गर्म हो जाते हैं। तो छोटी छोटी गुफाएं बनी हैं, लोग यहाँ पे बैठते हैं, लेटते हैं, आराम करते हैं, इस टाइप का। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ट्रैवलिंग टूरिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट में भी लिख सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी मुझे लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आसानी से रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि शिमला से होगा, शिमला काजा स्पीति। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Eat plenty, work hard and travel a lot. This is Rajiv Dwivedi signing off. Till then, next episode. Bye bye.